नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। खालिस्तानियों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। पहले ब्रिटेन, फिर ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों का उत्पात, लेकिन अब कनाडा, अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में अब भारत सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत की चुप्पी को खालिस्तानी कमजोरी समझ बैठे हैं। उसी का नतीजा है कि खालिस्तानी पहले कनाडा में भारत का विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब खालिस्तानियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और ये ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए हैं। और अब तो ये उत्पात इतना बढ़ गया है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में घुसकर हमला कर दिया है, जिसको लेकर भारत ने कनाडा और अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। अब उसी कड़ी में मोदी के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल तैयार हैं। जी हां, खबरों की माने तो लंदन में भारतीय राजनयिकों को खालिस्तान समर्थकों की धमकियों के बीच ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो भारत आ रहे हैं। शुक्रवार 7 जुलाई को टीम बैरो की अपने समकक्ष एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों को लेकर भी बातचीत हो सकती है, जिनकी तरफ से 8 जुलाई को भारतीय दूतावास के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया है। आप जानते हैं कि खालिस्तान समर्थक कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय हैं। अपने बड़े नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद वो भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भारतीय राजनयिकों के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसी बीच भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात ब्रिटेन के एनएसए टीम बैरो के साथ होने जा रही है। इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन स्थित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ और अलगाववादी अमृतपाल सिंह के हैंडलर अवतार सिंह खांडा की 15 जून को बर्मिंघम के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। इसे खालिस्तान आंदोलन को लगने वाला बड़ा झटका माना गया था। हालांकि कुछ और नेताओं के चलते भारत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटेन के एनएसए से बातचीत हो सकती है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक लगातार एक्टिव रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया तब जताई जब 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थक जमा हो गए। इस दौरान अवतार सिंह खांडा के नेतृत्व में भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया और जमकर तोड़फोड़ भी हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। बाद में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। इस मामले में खांडा, गुरशरण सिंह और जसवीर सिंह की मुख्य आरोपियों के तौर पर पहचान हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत क्यों गुस्से में है और इसका कारण क्या है और क्यों एक्शन के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि आगे क्या दोनों देश मिलकर काम करते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और खालिस्तानी भागने लगे हैं।